हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आपको सीरियल नंबर इंसर्ट कराना होता है तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे जनरली वन लिखते हैं, फिर टू लिखते हैं और फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके और इस तरीके से ड्रैग करते हैं तो सीरियल नंबर इस तरीके से इंसर्ट हो जाते हैं। आसान है लेकिन ये तो काफी ट्रेडिशनल वे हो गया, कुछ नया करते हैं, कुछ नया देखते हैं, शॉर्टकट का यूज करते हैं। क्या शॉर्टकट यूज करेंगे, सबसे पहले आप प्रेस कीजिएगा अल्ट, फिर क्या प्रेस करना है एच, फिर प्रेस करना है F, फिर प्रेस करना है I और फिर करना है S। तो जैसे ही करते हैं तो ये एक विंडो ओपन हो जाती है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक से लेके और कहाँ तक चाहिए 10,000 तक सीरियल नंबर चाहिए तो यहाँ 10,000 लिख दीजिए, 1,00,000 तक चाहिए 1,00,000 लिख दीजिए, तो जितना चाहिए उतना आप लिख करके और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर सीरियल नंबर इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर नहीं इंसर्ट हो रहा है तो इसके पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 1, ठीक है। अब प्रेस करता हूँ Alt H F I S तो ये आ गया। अब फिर यहाँ पे 1000 या जितना भी चाहिए 10,000 यहाँ पे डाल दीजिए और एंटर करिए। तो यहाँ देखिए ये 10,000 तक ये नंबर्स लेके आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लास्ट में जाएंगे तो आपको 10,000 ही मिलेगा, देखिए यहाँ पर 10,000 तक आ गया। लेकिन ये हॉरिजॉन्टली आया, वर्टिकली कैसे आएगा, वर्टिकली हमें तो ये वर्टिकली ही करना है। तो वर्टिकली लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली लाने के लिए आपको कुछ ज्यादा खास नहीं करना है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप नॉर्मली ऐसे खींच के नीचे की तरफ ड्रैग कराते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करके क्या करना है, यहां पर इस तरीके से सेलेक्ट रखिए और सेलेक्ट करके क्या करना है Alt H F I S ये प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये लीनियर है क्या है ये देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये लीनियर है कि क्या है ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हमेशा लीनियर रखिएगा। और यहाँ पे मेरा रो सेलेक्ट है लेकिन आप कॉलम सेलेक्ट कीजिएगा और बस यहाँ पर 10,000 डाल दीजिए, देखिए कमाल, ये लीजिए देख सकते हैं। तो ये कमाल की ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ और कोई सवाल हो तो बताइएगा, सॉल्व करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।